हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। जैसा आप सभी लोगों को पता ही होगा कि मैं आईपीएल 2020 की एक सीरीज चला रहा हूं, जिसमें मैं आईपीएल 2020 के सभी टीम्स के ऑक्शन स्ट्रेटजी के बारे में बता रहा हूं। तो गाइस, यह वीडियो उस सीरीज का 5वां एपिसोड है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सनराइजर्स हैदराबाद के बारे में। और गाइस, इस वीडियो में हम एसआरएच के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे एसआरएच के ऑक्शन स्ट्रेटजी के बारे में कि एसआरएच किस माइंडसेट के साथ ऑक्शन में जाएगी। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि सनराइजर्स हैदराबाद किन किन प्लेयर्स को टारगेट करेगी और साकिब अल हसन के रिप्लेसमेंट में कौन से प्लेयर को खरीदेगी। तो गाइस, वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने इस टॉपिक पर बहुत सी वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। तो जो मैंने ऑक्शन स्ट्रेटजी की बाकी टीम्स की वीडियो बनाई है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर वो सब वीडियो भी देख सकते हो। और गाइस, इस वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले अगर आप चाहते हो कि आपकी फेवरेट टीम आईपीएल 2020 का खिताब जीते तो यहाँ नीचे कहीं लाइक का बटन दिया हुआ होगा, उसे हिट करके इस वीडियो को लाइक कीजिए और आईपीएल से जुड़ी लगातार न्यूज पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसआरएच के पर्स मनी के बारे में। तो दोस्तों, सनराइजर्स के पर्स में इस समय 17 करोड़ रुपए हैं और इनके पास अभी 5 स्लॉट खाली हैं, जिनमें से दोस्तों इन्हें 2 ओवरतेज खिलाड़ी को खरीदने होंगे। और गाइज, अगर हम इनके रिलीज प्लेयर्स की बात करें तो इन्होंने सिर्फ 5 खिलाड़ियों को रिलीज किया है, जिनमें से नाम शामिल है दीपक हुडा का, यूसुफ पठान का, मार्टिन गुप्टिल का और रिकी भुई का। और दोस्तों, साकिब अल हसन को इसलिए इन्होंने रिलीज कर दिया क्योंकि दोस्तों साकिब अल हसन पर 1 साल का बैन लगा है। और गाइस, जिन खिलाड़ियों को सनराइजर्स ने रिटेन किया है, चलिए उनको मिलाकर हम एक टीम बना लेते हैं, एक प्लेइंग 11 बना लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सनराइजर्स को किस डिपार्टमेंट में प्लेयर की जरूरत है। तो गाइस, ओपनिंग करेंगे डेविड बॉर्नर और जॉनी वेरस्टो, और उसके बाद नंबर 3 पे आएंगे कैप्टन क्लेन विलियमसन, और नंबर 4 पे मनीष पांडे, उसके बाद 5 पर विजय शंकर, और गाइस उसके बाद 6 का इनका जो स्लॉट है वो खाली है। यहाँ पर इन्हें एक प्लेयर को ढूंढना होगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पर साकिब अल हसन खेलते थे लेकिन अब साकिब अल हसन नहीं है, तो यहाँ पे एक प्लेयर को इन्हें खरीदना होगा। और गाइस, उसके बाद नंबर 7 पर अभिषेक शर्मा आ सकते हैं, और नंबर 8 पर शहबाज नदीम, नंबर 9 पे राशिद खान, नंबर 10 पे भुवनेश्वर कुमार और नंबर 11 पे सिद्धार्थ कौल। तो दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद को ऑक्शन में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब दोस्तों इनकी प्लेइंग 11 ऑलमोस्ट सेटल है, इन्हें सिर्फ साकिब अल हसन का रिप्लेसमेंट ढूंढना है जो कि इनका सबसे बड़ा वर्क होने वाला है। और गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि सनराइजर्स कौन कौन से प्लेयर को टारगेट करने वाली है। तो गाइस, सबसे पहले सनराइजर्स हैदराबाद को एक बैकअप ओपनर की ज़रूरत है और वो बैकअप ओपनर इन्हें इंडियन चाहिए, क्योंकि दोस्तों किसी भी टीम में अगर इंडियन ओपनर होता है तो टीम का बैलेंस अच्छा बना हुआ होता है, लेकिन सनराइजर्स की टीम में ऑलरेडी सिर्फ 2 विदेशी ओपनर है, तो ऐसे में सनराइजर्स हैदराबाद को एक इंडियन ओपनर की तलाश है। तो ऐसे में यहाँ पे इनके पास 4 ऑप्शन मौजूद हैं। पहले हैं दोस्तों राहुल त्रिपाठी, दूसरे हैं रॉबिन उथप्पा, तीसरे हैं यशस्वी जायसवाल और चौथे हैं ध्रुव सूर्य। और गाइस, उसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद को साकिब अल हसन का रिप्लेसमेंट खोजना है। दरअसल दोस्तों, साकिब अल हसन के रिप्लेसमेंट में यहाँ पर 5 नाम अवेलेबल हैं। पहले ऑप्शन है दोस्तों जेमी निसम, दूसरे ऑप्शन है ग्लेन मैक्सवेल, तीसरे ऑप्शन है सैम करन जो कि इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं, और उसके बाद चौथे ऑप्शन है कार्लोस ब्रेथवेट, और गाइस 5वें ऑप्शन है मार्कस स्टोइनिस। तो गाइस, इन 5 खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी को सनराइजर्स हैदराबाद जरूर खरीदेगा साकिब अल हसन के रिप्लेसमेंट के तौर पर। और गाइस, उसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद को जो तीसरा काम करना है वो दोस्तों ये करना है कि इन्हें दीपक हुडा का भी रिप्लेसमेंट खोजना है, क्योंकि दोस्तों दीपक हुडा नंबर 6 पर खेलते थे और साथ ही साथ वो थोड़े बहुत बॉलिंग भी कर लेते थे और बैटिंग भी अच्छी खासी करते थे, लेकिन जब दीपक हुडा को उन्होंने रिलीज कर दिया है तो ऐसे में दीपक का एक रिप्लेसमेंट खोजना होगा। तो दोस्तों, अगर हम दीपक हुडा के लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पर सबसे बढ़िया विकल्प है सनराइजर्स के पास हनुमा बिहारी। दोस्तों, हनुमा बिहारी एक इंडियन खिलाड़ी भी है, साथ ही साथ वो काम कर सकते हैं जो कि दीपक हुडा करते थे, और गाइस साथ ही साथ हनुमा बिहारी यहाँ पर बॉलिंग भी आराम से कर लेंगे 1-2 ओवर, जिससे सनराइजर्स हैदराबाद को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है।
तो गाइज कुल मिलाकर सनराइजर्स हैदराबाद को ज़्यादा वर्क करना नहीं है, इन्हें सिर्फ एक मेन काम करना है, साकिब अल हसन का रिप्लेसमेंट ढूंढना है और उसके बाद इन्हें एक दीपक हुड्डा का रिप्लेसमेंट ढूंढना है। तो गाइज अगर ये दो काम कर लेती है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम तो सनराइजर्स हैदराबाद एक बार फिर से स्ट्रांग हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम कौन से खिलाड़ी को खरीदेगी। और गाइस क्रिकेट से जुड़ी आईपीएल से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें।